मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। ये जीवन एक परीक्षा है और रोज़ रोज़ हमें इस परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मुझे लगता है एक एक पल, एक एक घड़ी यहाँ परीक्षा की है, पर हम कई बार फेल होते हैं। हम स्वयं अपने शत्रु बन जाते हैं। बेशक दोष दूसरों को देते हैं। अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ वैसा किया, किंतु सच तो यह है कि हमारे साथ कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जो कुछ होता है हमारे जीवन में, उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हम स्वयं अपने मित्र हो सकते हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हो सकते हैं, पर अफसोस, हम में से कई लोग स्वयं अपने शत्रु हो गए हैं। वी आर अवर ओन फोज, वी आर अवर ओन एनिमीज। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि अपने मन के प्रभाव में आकर हम स्वयं अपने शत्रु बन जाते हैं और जीवन की परीक्षा में फेल होते रहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस परीक्षा में हम कैसे पास हो सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि स्वयं को बार बार समझाते रहें कि हम कुछ भी नहीं है। जब हम कुछ नहीं होते तो छूट जाते हैं, यदि कुछ हो गए तो समझो फंस गए। मत कर बंदे इतना अभिमान, मैले मंदे तेरे सब काम। आशीष बड़ों की तुझको तारे, क्या हुआ अगर तेरे सर पर ताज। नूरी सब है खाक, मिट्टी का राज। जय जय नंदलाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक 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 शिष्य और गुरु कहीं जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई। उन्होंने सोचा अब रात गुजारने के लिए हमें किसी मकान की तलाश करनी पड़ेगी। तभी पास ही उन्हें एक मकान दिखाई दिया, पर मकान में अंधेरा था। दोनों ने सोचा चलो केवल एक रात गुजारने की बात है, मकान में अंधेरा है, हम किसी खिड़की से घुसकर अंदर विश्राम कर लेते हैं। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो हम बिना अनुमति के पराए घर में रात गुजार रहे हैं। अगर रात को कोई आ जाए तो
तुम चुपचाप उठकर चल देना, तुम कुछ होने का दावा मत करना या कोई शेखी मत बखारना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो पिटोगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। अब गुरु और शिष्य दोनों मकान में घुस गए। एक कमरे में अच्छे खासे दो पलंग रखे थे, एक पर गुरु सो गए और दूसरे पर शिष्य सो गया। वे दोनों थके हुए थे। शिष्य तो अपनी थकान में यह भी भूल गया कि हर रोज रात को वह गुरु के पैर दबाता है। वह जैसे ही पलंग पर लेटा तो उसे नींद आ गई। यदि हाल गुरु का भी था। फिर देर रात घर का जो मालिक था वह आ पहुंचा। वह उसका निवास स्थान नहीं था, वह कभी कभी ही वहां आता था। जब मालिक आया तो उसने घर की बत्तियां जलाईं, किंतु गुरु और शिष्य इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें मालिक के आने का पता ही नहीं चला। और दूसरा, जिस कमरे में ये दोनों सो रहे थे वह घर के मालिक का बेडरूम था, इसलिए मालिक सीधा अपने कमरे में ही आया। जब वह आया तो उसे अपने कमरे से खराटों की आवाज़ सुनाई दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, रात को जब हम सोते हैं तो हम सब खराटे लगाते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, पर कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। यदि एक व्यक्ति दूसरे से कहेगा कल रात तुम खराटे लगा रहे थे, इस पर दूसरा व्यक्ति कहेगा क्या बात कर रहे हो, कल रात मैं तुम्हारे बगल में सो रहा था पर मुझे नींद ही नहीं आई, जब नींद नहीं आई तो खराटे कैसे लगाऊंगा। बोलो, तुम तो अपनी कहानियां बनाते हो, मुझे लगता है तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। नो बॉडी इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैट ही स्नोर्स। हाँ, तो गुरु और शिष्य जोरदार के खराटे लगा रहे थे, मानो दोनों के बीच कोई मुकाबला हो रहा था। दोनों को इस तरह खराटे लगाते देखकर घर के मालिक को हैरानी हुई। गुरु का पलंग दरवाजे के पास ही था, इसलिए उस आदमी ने पहले गुरु को जोर से हिलाकर जगाया। धनवानों को अपना गुरु होता है। जैसे ही उसने गुरु को जगाया तो गुरु बेचारा उठा और नींद के खुमार से यहाँ वहाँ देखने लगा। आदमी ने अकर कर पूछा, कौन हो तुम? गुरु अपनी आंखें झपकाता हुआ इधर उधर देखने लगा। धनवान ने फिर पूछा, यहाँ क्यों आए हो? गुरु ने फिर भी कुछ नहीं कहा, केवल अपना सिर हिलाता रहा। धनवान ने आगे कहा, कहाँ से आए हो? पर गुरु ने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। तब धनवान ने अपने सेवकों से कहा, ये तो कोई पागल लगता है, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। सेवकों ने गुरु को उठाया और उसे घर के बाहर फेंक दिया। गुरु चुपचाप उठकर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। गुरु के लिए घर या पेड़ दोनों एक ही बात थी। उसके बाद धनवान ने शिष्य को नींद से जगाया। शिष्य तो चिढ़ गया, वह गुर्राया, ए क्या समझते हो अपने आप को? धनवान भड़का और बोला, अरे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, उल्टा तुम मुझे कह रहे हो समझते क्या हो, आखिर तुम हो कौन? इस पर शिष्य बोला, मैं 10,008 महामंडलेश्वर सरस्वती का शिष्य हूँ। धनवान बोला, अरे तुम स्वयं को शिष्य कह रहे हो, अपने गुरु का नाम खराब कर रहे हो, क्या कभी कोई इस तरह किसी पराए मकान में घुसकर सोता है? फिर उसने अपने सेवकों से कहा, चलो इसे चाबुक से मारो। चाबुकों की मार से बेचारा शिष्य रोने लगा। वह कराहता हुआ घर से बाहर आया। बाहर आकर क्या देखता है कि गुरु एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से
खराटे ले रहे हैं। तब उसने गुरु को नींद से जगाया और बोला, गुरुदेव मेरा हाल बुरा है, मुझे चाबुक से मारा गया है, मेरे हाथ पैर सब छिल गए हैं। इस पर गुरु ने कहा, तुमने उनसे कहा क्या कि तुम ये हो या वो हो? शिष्य ने कहा, हाँ, धनवान ने जब मुझसे पूछा तुम कौन हो तो मैंने भी अकर कर कह दिया, मैं 10,008 मंडलेश्वर सरस्वती का शिष्य हूँ। गुरु ने कहा, अरे मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम कुछ होना मत, तुम कुछ होना मत, यदि कुछ हुए तो पिटोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी कुछ होते हैं, खुद को बहुत कुछ समझते हैं, जब समझते हैं तो फिर पिटते हैं। जब हम कुछ होते हैं तो हमें कष्ट सहने पड़ते हैं, कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यदि हम स्वयं को कुछ समझेंगे ही नहीं तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए आज मैं अपने साथ एक सुंदर सूत्र लेकर आया हूँ। इस सूत्र के शब्द हैं, मैं कुछ ना ही ना कुछ मोरा, अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। मैं कुछ ना ही ना कुछ मोरा, सतगुरु साई सब कुछ तोरा। मैं कुछ ना ही ना कुछ मोरा, सतगुरु साई सब कुछ तोरा। मेरे प्रियजनों, मैं कुछ नहीं, हे प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मोरा कुछ भी नहीं है। न मैं कुछ हूँ और न मोरा कुछ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। अभिमान से दूर रहें, अहंकार से परहेज करें, वास्तव में तो हम कुछ भी नहीं हैं। महर्षि नारद के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इतनी तपस्या की कि जब अप्सराएं स्वर्ग लोक से उतर कर उनके पास आईं तो उन्होंने आंख उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उनके मन में अहंकार उठा। वे सोचने लगे, मैं अब इतनी ऊंचाई पर हूँ कि माया मुझे छू भी नहीं सकती, मैं भी शिव जी की तरह हो गया हूँ। मैं अभी जाकर कैलाश पर्वत पर शिव जी को बताता हूँ कि आपकी तरह मैं भी
काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर सब कुछ सहन कर सकते हैं, किंतु हमारा अभिमान उसे कभी सहन नहीं होता। जब भगवान विष्णु को ज्ञात होता है कि महर्षि नारद को बहुत अभिमान हो गया है, वे तुरंत उसे सीधी राह पर लाने के लिए एक लीला करते हैं। एक बार नारद कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से होती है। वह नारद जी से कहती है, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख पर एक अनोखा तेज है, तुम मनुष्य हो अथवा कोई देवता? आगे वह राजकुमारी उनसे कहती है, कल मेरा स्वयंवर होने वाला है, तुम अवश्य आना। महर्षि नारद उस राजकुमारी को देखकर, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर सब कुछ भूल जाते हैं। अब वे पूरा समय उस राजकुमारी के बारे में सोचने लगे। उनकी रातों की नींद उड़ गई, वे बेचैन हो गए। अब नारद भगवान विष्णु को प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे ऐसा रूप प्रदान करो कि संसार में मुझ जैसा अन्य कोई न हो। वे मन ही मन खुश थे और सोचने लगे कि राजकुमारी अवश्य उनका अद्भुत रूप देखकर उसके गले में ही वरमाला डालेगी। अब भगवान विष्णु को तो अपने प्रिय भक्त को इस माया जाल से बचाना था, इसलिए उन्होंने नारद का चेहरा वानर जैसा बना दिया। दूसरे दिन नारद जी राजकुमारी के महल में पहुंचे और स्वयंवर के लिए आए हुए राजकुमारों की कतार में खड़े हो गए। राजकुमारी बारी बारी से हर एक के पास गई। नारद मन ही मन खुश हो रहे थे कि राजकुमारी उनके गले में वरमाला डालेगी, किंतु जब राजकुमारी उनके पास आई तो उन्हें देखकर घबरा गई और सोचने लगी, यह कौन है? तब नारद के मन में आया, जरूर कुछ गड़बड़ है। पास ही एक तालाब था, नारद ने जाकर उसमें अपना चेहरा देखा तो उन्हें पता चला कि उनका चेहरा वानर जैसा है। महर्षि को यह समझते देर नहीं लगी कि भगवान विष्णु ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए यह सारी लीला की है। मेरे प्रियजनों, इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, और इस अहंकार के वशीभूत होकर एक एक व्यक्ति समझता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जब कुछ लोग आपस में मिलते हैं, लोग तो छोड़ो, स्कूल के बच्चे आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? एक बच्चा बोलेगा, ए पता है मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता अपना एक हाथ उठाते हैं तो 100 मोटरें रुक जाती हैं। अब पिता है ट्रैफिक का पुलिसमैन। ये सच है कि एक हाथ उठाता है तो 100 मोटरें रुक जाती हैं, पर देखो बच्चा कैसे गर्व से बोलता है। दूसरा बच्चा फिर उससे भी बड़ा चढ़ा कर बोलेगा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ अहंकार का बोलबाला है, लेकिन हम जो यहाँ सत्संग में आते हैं उन्हें किस बात की साक्षी देनी चाहिए? मैं कुछ नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना कुछ मोरा, मेरे कुछ भी नहीं है। यदि मोरा होता तो मैं अपने साथ ले जाता। आपने कभी किसी को अपने साथ कुछ ले जाते हुए देखा है? हम सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ कुछ ही है नहीं। बस एक बार इस बात का विश्वास हो जाए तो हमारा जीवन नया हो जाए। इसलिए एक आदर्श लें। संतों की वाणी में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, यदि आप एक ही बात लें तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए।
आपका जीवन नया हो जाए। मैं कुछ नहीं ना कुछ मोरा, अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। हे भगवान, हर हालत में तो मेरी लाज रखना, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। इस सूत्र पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति 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 ही।